हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 और इसका लेक्चर नंबर 3, जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी है, ठीक है, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले एंटीटसिव एजेंट। जो लास्ट लेक्चर था एक्सपेक्टोरेंट हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने बताया था, वहां पे हम लोग ड्रग्स फॉर कफ, जो दवाइयां हमारे कफ में इस्तेमाल होने वाली हैं, और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो एक्सपेक्टोरेंट थे वो पढ़े थे, जिसमें हमको क्या आता है, प्रोडक्टिव कफ यानी कि बलगम आता है, उसके बारे में बात करी थी। आज हम बात कर रहे हैं एंटीटसिव, सूखी खांसी, है ना। तो यहां पे मेंशन कर लेंगे इसको हम लोग, यानी कि आज जो बात होने वाली है जिसे हम बोलते हैं सूखी खांसी, हिंदी में क्या बोलते हैं, सूखी खांसी, ठीक है ना, यानी कि नॉन प्रोडक्टिव कफ और नॉन प्रोडक्टिव कफ, उसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो नॉन प्रोडक्टिव मतलब क्या, खांसी बहुत आती है, बलगम नहीं आता, खांस खांस के रात भर खांसी आ रही है, सर दुख जाता है, नसें फूल जाती है ना, बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो ये एंटीटसिव एजेंट्स क्या करते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, हमें जब खांसी आती है ना, हमें खुजली सी होती है जब खांसी आती है, वो जो अब मान लो एक हल्की सी खुजली होती है तो खांसी नहीं आती है, तो यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाकर के वो जो जिस लेवल पे जाके खुजली खांसी आनी चाहिए, मतलब खुजली का एक लेवल है, ठीक है, सपोज समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, हाँ समझते हैं बात को, कि ये कर क्या रहा है सीएनएस में जाकर के, ये क्या हो रहा है, देखो जैसे कि मान लो सपोज एक लेवल है, जैसे कि मैंने कहा ये मेरा हाथ है, मैंने हल्की चूटी काटी कोई फर्क नहीं पड़ा, और तेज काटी कोई फर्क नहीं पड़ा, जब बहुत तेज काटूंगा तो मैं हाथ हटाऊंगा, तो जिस लेवल पे जाके मेरे को दर्द होता है और मैं हाथ हटाता हूं, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड लेवल। क्या कहते हैं उसको हम लोग, थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं। थ्रेशोल्ड लेवल, जिस लेवल पे जाके मुझे दर्द हो जाएगा। इसी तरीके से गले में हल्की सी, बहुत हल्की सी खुजली है तो खांसी नहीं आएगी, थोड़ी सी और ज्यादा हल्की खुजली खांसी नहीं आएगी, एक खास लेवल, एक लेवल के बाद जब खांसी आ जाती है, हम रोक ही नहीं पाते खांसी आएगी आएगी, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड लेवल। तो होता क्या है, इन दवाइयों को जब हम खाते हैं, जैसे सपोज लेट एक उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, ये पॉइंट से समझ में आसानी से, 9 और 10 हो सकता है कि अभी जब तुमको खांसी आ रही है, मतलब फोर्थ लेवल की खुजली होती है, उदाहरण के लिए समझने के लिए 10 लेवल पे खुजली है, 4 लेवल की खुजली जैसी, मतलब इस लेवल की इतनी ज्यादा खुजली होती है तो खांसी आ जाती है, 2 लेवल की यानी बहुत हल्की खुजली हो रही है, 1 लेवल 2 लेवल की, तो खांसी नहीं आ रही है, 4 लेवल पे खांसी आ रही है। तो जैसे ही हम ये एंटीटसिव खाएंगे, ये क्या करेगा, इस लेवल को बढ़ा देगा, 6 या 7 पे ले जाएगा, ठीक है ना। तो जब 6-7 पे लेके हमको खांसी आ कहां रही है, 4th लेवल पे, तो वो दिमाग सीएनएस पे जाके सेट कर देगा कि 4th लेवल पे खांसी नहीं लानी है, जब खुजली का लेवल 7वां हो जाए तब खांसी आए, यानी कि एक तरह क्षमता बढ़ा दे रहा है कि खांसी कब आनी चाहिए। फिर वो खुजली होती रहती है, हमारे दिमाग को लगता है अरे बहुत हल्की खुजली हो रही है, खांसना नहीं है, तो वो इस तरीके से काम करते हैं एंटीटसिव। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एंटीटसिव क्या है, दीज आर द ड्रग्स दैट एक्ट इन द सीएनएस, कहां काम करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, टू रेज द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मैंने बताया अभी, वो लेवल जहां पे खांसी आ जाती है उसका लेवल बढ़ा देगा, कि अब इस लेवल पे अगर खुजली होगी तो खांसी आएगी, ऑफ कफ सेंटर, जो कफ सेंटर होता है हमारे ब्रेन में, और एक्ट पेरिफेरी इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हमारा होता है सांस वाला, टू रिड्यूस टसल इंपल्सेस, खुजली वाले जो इंपल्स है उसको रिड्यूस कर देगा कि खुजली ना हो, और बोथ दीज एक्शन, या ये दोनों एक्शन करेगा ये, बिकॉज दे एम टू कंट्रोल, इनका एम है टू कंट्रोल रैदर देन टू एलिमिनेट कफ, ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कफ को खत्म नहीं कर रहे, खांसी को खत्म नहीं कर रहे हैं, केवल कंट्रोल कर रहे हैं। एंटीटसिव ड्रग शुड बी यूज्ड ओनली फॉर ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ, सूखी खांसी के लिए ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब मैंने यहां पर ना पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन था ड्रग्स फॉर कफ, वो पूरा यहां पर दिखाया है, उसका रीजन है ड्रग्स फॉर कफ। अब यहां पे हम लोगों ने एक्सपेक्टोरेंट लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, डिमल्सेंट और ये अपने सिलेबस में नहीं तो हटा दिया, इसके बाद सीधा सीधा अपने पास क्या आता है, एंटीटसिव आ जाते हैं, कफ सेंटर सप्रेसेंट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कफ सेंटर जो हमारे ब्रेन में उसको सप्रेस कर देगा कि खांसी नहीं आएगी। उसके अंदर ये 3 कैटेगरी है, ओपियोइड, अब ओपियोइड बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग, ऐसी दवाई ना, कोडीन सुना होगा, खांसी बंद भी हो जाती है नींद भी आ जाती है, नॉन ओपियोइड और एंटीहिस्टामिन, जो एलर्जी खुजली पैदा करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीहिस्टामाइंस कहते हैं,
क्लियर है। तो एंटीटसिव तीन तरीके से है, ओपियोइड, नॉन ओपियोइड और एंटीहिस्टामाइन। क्लियर है, मैंने पूरे में दिखा दिया, जिससे कि एक कफ वाला कैटेगरी है पूरा कंबाइंड, इसी को तोड़ करके। अब देखो ड्रग फॉर कफ, ये हम लोग जब बड़ी क्लास में जाते हैं, बड़ी क्लास में बी फार्मा एम फार्मा, तो वहां पे एक साथ पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या गया, इसको तोड़ दिया है क्योंकि डी फार्मा है, तो और बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, लिमिटेड चीज पर सीमित रहना हमको, ठीक है। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन, अब सबको पता है ओपियोइड्स का काम क्या होता है। ओपियोइड्स क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मतलब जब हम सांस लेते हैं उसमें रिलैक्स कर देगा, डिप्रेस करेगा उसे, और एनाल्जेसिक होते हैं ये। क्लोरफिनिरामाइन, इनका कोई खास असर नहीं होता, ये केवल क्या करते हैं हमारे कफ सेंटर को जाकर के कर देते हैं जाकर के। क्लोरफिनिरामाइन जैसे कि है वर्क बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ हिस्टामिन, ये एक्शन ऑफ हिस्टामिन को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अ सब्सटेंस इन द बॉडी दैट कॉज एलर्जिक सिम्टम्स, तो सिंपली क्या है, एंटी हिस्टामाइन क्या है, हिस्टामिन को ब्लॉक कर देंगे जो कि एलर्जिक यानी कि खांसी वगैरह जो खुजली वगैरह करते हैं उनको जाके ये ब्लॉक कर देते हैं। तो और कोई इनका विशेष फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं है। आगे चलते हैं, डोज हमेशा की तरह तीनों में से कैटेगरी में से एक एक ले लेंगे हम लोग, इसमें कोडीन इंपॉर्टेंट कर लेंगे, फलकोडीन भी है यहाँ पे, डेक्सट्रोमेथॉर्फिन आ जाएगा, क्लोरफिनिरामाइन आ जाएगा, ठीक है ना। तो चार से पांच ड्रग अपने मतलब की उनके डोज के साथ हम लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। इंडिकेशन अनप्रोडक्टिव कफ, खत्म भाई, सूखी खांसी में तो इस्तेमाल करने और कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे हम लोग इसका, ठीक है। एक और चीज आ सकती है, एलर्जिक लिख सकते हो, एलर्जीज, एलर्जी में भी जो एलर्जी होती है तो उस केस में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है ना, अस्थमा, अच्छा अस्थमा वगैरह क्या होता है, जैसे कि खांसी कई बार चाहिए होती है, जैसे कि जो हमारे एयरवेज होते हैं खांसते हैं तो जो रास्ते हैं फेफड़ों के खुल जाते हैं, अगर वो खांसी आना बंद हो गई तो वो फेफड़ों के रास्ते खुलेंगे नहीं और सांस लेने में दिक्कत आएगी, इसीलिए अस्थमेटिक या सीओपीडी में हम लोग इन एंटीटसिव का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि खांसी आती रहेगी उतना अच्छा है, रास्ते खुले रहेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी है, सर में कोई चोट लग जाए, हेड इंजरी हो जाए, प्रेगनेंसी है या ओपियोइड डिपेंडेंसी है, ओपियोइड के ऊपर कोई लगता है कि हाँ डिपेंडेंसी हो सकती है, तो उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगेन अपना छोटू मोटू सा लेक्चर, तो बहुत बड़ा और वैसे टॉपिक नहीं है ये, बेसिक बेसिक से लेक्चर्स हैं और बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, बड़े बड़े टॉपिक हम लोगों ने स्टार्टिंग में कर लिए थे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी हैं। क्लियर है बातें, तो अब क्या करना है पता ही है, आगे क्या आने वाला है, अपना माइंडर चार ऐप आने वाला है और मेरा नंबर आने वाला है, और सबसे जरूरी चीज़ जो तुम लोगों को करनी है वो क्या है, रिवीजन, रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।